गलती हो गई बाइगॉन, वो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी का भी दिल दुखें, पर झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें कितनी फिक्र है हमारी। आप चाहती थी कि हम नाथवाड़ा जाएं, मम्मी जी चाहती थी कि हम मनाली जाएं। अगर हम किसी की बात नहीं सुनते तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जानी थी, इसलिए तुमने अपनी मन मानी की और ये नहीं सोचा कि जब सच्चाई हमारे सामने आएगी तो कितना बुरा लगेगा हमें। अगर नहीं जाना चाहते थे तो कह देते हमसे, तुम्हारे पापा जी टिकटें कैंसिल करवा देते, इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। जरूर मोना ने ही उकसाया होगा अनुकल्प को, वरना हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि अनुकल्प हमसे झूठ बोले। लेकिन लगता है कि आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में कैसे रहते हैं। गलती तो बच्चों से हुई है जी, लेकिन अब ये आपके बच्चे हैं, आप इन्हें सजा देते हैं या माफी, इस फैसले का हक सिर्फ आप लोगों को है। हम तो बस हाथ जोड़कर माफी मांग सकते हैं। एकदम एकदम ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा रखिए, प्लीज आप खोलिए ना। भरोसा क्या भरोसा रखूं, अम्मा जी तो मुझ पे कभी भरोसा करना ही नहीं है, आज ही मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। एक तो वैसे ही यहाँ मैं जबरदस्ती बहू बनकर आ गई बाइगॉन, आज ही मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। एक तो वैसे ही यहाँ मैं जबरदस्ती बहू बनकर आ गई बाइगॉन, और उसे चार दिन हुए नहीं और अनुकल्प को झूठ बोलना सिखा दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अनुकल्प मुझसे झूठ बोलेगा। पता नहीं उन पंजाबियों ने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। अच्छे ही संस्कार दिए थे हमने अपनी बच्ची को, लेकिन भारती बहन जी वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब क्या बनाना है? खबर न हो तो कह दूं, गुजराती खाना बनाना है। ढोकला, खांडवी, पात्रा, कढ़ी, भात, पूरी, पटेटे की सब्जी, अचार, पापड़ भी तल देना, और हाँ बाकी लिए छाछ। हाँ मीठे में एक काम करो, आसान सा बताती हूँ, अपना बासुंदी घोल देना। हाय रब्बा, तू तो गई, कैसे बनाऊंगी मैं ये खाना? समझी गई ने? ओहो समझ गई हिंदी में। हाँ जी मैं ही जाती हूँ मोना से मिलने, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। नाना पर जय जी, यो गलती ना करो, वो गुजराती तो बड़ा बवाल मचा देंगे, और मोना को तो वहीं रहना है, आपके नाम के ताने देंगे तो के गुजरे की छोरी के कलेजे पे, बोलो। पर अब मैं क्या करूं? एक तरीका है कलावती के पास, बोलो क्या। अरे 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 कौन है तू, और बिना पूछे अंदर कैसे घुसी चली आ रही है? वो मेम साहब ने रुकने के लिए बोला है, पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन चाहिए उनको। अरे वाह, नए बर्तन, मैं अभी पुराने कपड़े लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। हाँ आय हाय कलावती, क्या एक्टिंग की है तूने, दोनों के दोनों ही ना पहचान पाए कि कौन है तू। चल बस अब शुरू हो जा जल्दी से। कौन हो तुम, किसे पूछकर अंदर आई?